अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और बेसिकली आप टाइटल देख चुके होंगे कि ये टिप्स हैं जो कि मेरी थ्रू आउट द जर्नी स्कॉलरशिप्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स और उसके लिए यूज़ की गई हैं। बट स्पेसिफिक जिस पे मैं बहुत सारे टिप्स की वीडियोस बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वो जो है मेरे एक्सपीरियंस से जान सके और मैंने जितना सीनियर से सीखा है, जूनियर से सीखा है, तो वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले टिप जो है वो टाइटल में आप देख सकें कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। उसके पीछे आपकी मेहनत जो है कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि आपने जो है फॉर सपोज़ यू ग्रेड नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है और आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट ही मंथ में जो है तैयारी कर लूँगा, तो ये थोड़ा सा वो होगा। कंसिस्टेंट रहें पूरा साल, जब आपको पता लग जाए कि मुझे नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है या नेक्स्ट मंथ अप्लाई करना है, तो अभी से स्टार्ट करें, रोज़ दो घंटे दें। तो वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि रोज़ अगर आप दो घंटे दे रहे हैं तो रोज़ दें। बीच में अगर ब्रेक लगेगा, कई दिन आप नहीं करेंगे, तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो टूट जाएगी और आप उस तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है ये, सॉरी मैं जो है थोड़ा सा मसरूफ़ चल रहा हूँ, थोड़े काम ऐसे चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो है एंड हो गई है तो उसकी भी थी, और फिर कुछ प्रोजेक्ट क्लोजिंग हैं, कुछ दूसरे घर के काम हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ अपनी तैयारियाँ चल रही हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। तो बस मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए या कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंट रहें और मेहनत करें। मैंने भी एक साल लगाया था यू ग्रेड को जो है सारी चीज़ें जानने के लिए, चीज़ें रीड की, बुक्स रीड की, लोगों से मिला, सीनियर से मिला, जो बहुत सारे लोगों से मिला जो ऑन गोइंग थे उनसे मिला, मेंटोर्स से मिला, टीचर्स से बात की कि क्या चीज़ें मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। तो मैं कंसिस्टेंट था पूरे एक साल से कि मुझे जो है इस प्रोग्राम में जाना है, और मेरी मेहनत भी कंसिस्टेंट थी, मतलब कहीं मेहनत टूट नहीं रही थी, वो 100% थी, तो वो थ्रू आउट 100% रही है, तभी मुझे जो है अवेल कर सका हूँ। तो बहुत सारे दोस्त भी ऐसे होंगे जिन्होंने उस तरह ही अवेल की होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि कंसिस्टेंट रहें, फोकस रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालता रहूँगा, बहुत सारी टिप्स हैं ऐसी, एक एक करके डालता रहूँगा। तो आप देखें, मुझे फीडबैक दें और कमेंट्स करें, शेयर करें। माजरत में बहुत दफ़ा जो है जवाब नहीं दे पाता, बट मैं अपनी जितनी कोशिश करता हूँ कि आप सबको जवाब दे सकूँ और आप सब जो हैं इससे मुस्तफीद हो सके। तो थैंक यू सो मच, मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिल सके और मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और बहुत सारी वीडियोस बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।